ओके अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचिंग ऑफ करंट, है ना। ब्रांचिंग ऑफ करंट मतलब करंट का ब्रांचिंग कैसे होता है, इसको हम बोल सकते हैं ब्रांचिंग ऑफ करंट, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो ब्रांचिंग ऑफ करंट पढ़ते हैं। यहाँ पे मान लो आर वन आर टू की वैल्यू दी हुई, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके पास में, है ना। यहाँ पे सिंपल केस देखो कि आर वन आर टू की वैल्यू दी हुई हो एंड आई वन एंड आई टू में से किसी एक की वैल्यू दी हुई हो तो दूसरा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आई वन की वैल्यू 2 एम्पेयर दिया हो, ठीक है, तो I2 की वैल्यू आराम से हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 2 कितना आ रहा है, 4 बाई 4 कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पे 1 एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है, ओके। अगर मान लो कि हमने यहाँ पे 4 एम्पेयर दे दिया, अगर हमने I1 की वैल्यू 4 एम्पेयर दे दिया तो I2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये अगर 8 है तो इसको भी 8 होना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी क्या होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 एम्पेयर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 2 एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो समझिए इस चीज़ को, अगर हमने 4 एम्पेयर रखा ये इस तरह से हमने बहुत सारा चीज़ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर अगर हमने 5 एम्पेयर रखा या 10 एम्पेयर रखा, यहाँ पर अगर हमने 10 एम्पेयर रखा है तो यहाँ पर कितना एम्पेयर रखा है, यहाँ पर आएगा 5 एम्पेयर, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 5 एम्पेयर करंट आ जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है, काफी इजी है, 10 इंटू 2 20, ये भी होना चाहिए 20, क्योंकि पहले कॉम्बिनेशन में है और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि I1 R1 क्या बताया था कि I1 R1 दैट इज इक्वल टू I2 R2, ठीक है। इस सिचुएशन को यूज करना है, जानना है, ठीक है। बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, मान लो I1 I2 दिया हो और रेसिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, अब रेसिस्टेंस फाइंड करना है, R1 एंड R2 की वैल्यू, R1 फाइंड करनी है, R1 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो भी आप केस आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 3 एम्पेयर दे दिया जाए, यहाँ पर मैंने कहा ये 3 एम्पेयर करंट, ठीक है, ये 3 एम्पेयर, ओके, और यहाँ पर अगर हमने 2 एम्पेयर करंट दे रखा है तो R1 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है। अगर ये 12 आ रहा है तो ये भी 12 आना चाहिए, इसका मतलब R1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, सीधी सी बात है, 6 हम यहाँ लिखेंगे तो 6 इंटू 2 कितना होगा, 12 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ब्रांचिंग ऑफ करंट, करंट का ब्रांचिंग, है ना, करंट इसमें ब्रांच हो रहा है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो हमने बताया था इक्वेशन, उस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने I1 की वैल्यू कितनी बताई थी, I1 की वैल्यू कितनी बताई थी, तो वो बताया होगा हमने I into R2 divided by R1 plus R2, ठीक है, ये आप गौर से देखिए। फिर अगर I2 की बात करें तो वो लिखेंगे I by R1 plus R2 into R1, ठीक है, देखिए यहाँ देखिए I1 and I2 की वैल्यू देखिए कितनी होगी, आराम से इजी वे में आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते आपको यहाँ पर टोटल करंट पता हो एंड R1 R2 की वैल्यू पता हो, तो आप करंट को भी इजी वे में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस केस में भी आप आराम से करंट को फाइंड कर सकते हो, I1 I2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, अगर I1 पता हो तो टोटल करंट I को भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मान लो I1 की वैल्यू पता हो तो टोटल करंट भी फाइंड कर सकते हो, I2 की वैल्यू नहीं भी पता हो तो ही काम चल सकता है। यहाँ देखो I2 की वैल्यू नहीं पता है, R1 की वैल्यू 6 ओम मान लो रखे हुए है ना, R1 की वैल्यू में 6 ओम रखा हुआ है, I1 पता है हमें, तो टोटल करंट I भी फाइंड कर सकते हैं, I की वैल्यू कितनी होगी, तो दैट इज इक्वल टू I1, इसके बाद लिखेंगे R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2, है ना, तो टोटल करंट I भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टोटल करंट I कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू I1, I1 की वैल्यू कितनी है, तो 2 एम्पेयर लिखेंगे, तो 2 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पेयर लिखा, R1 की वैल्यू कितनी है, तो 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 4 कितना आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 तो ये कितना आएगा, 5 एम्पेयर करंट आ रहा है,
टोटल करंट कितना आ रहा है 5 एम्पेयर, ठीक है। तो 5 एम्पेयर आ रहा है, 2 एम्पेयर इसमें होगा तो इसमें कितना आ जाएगा 3 एम्पेयर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कार्बन रेसिस्टर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो कार्बन रेसिस्टर है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और काफी इजी वे में आपको बनाना होगा वहां पर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड करनी होगी यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर मान लो आई वन आर टू की वैल्यू दी हुई है, तो आप इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। दैट इज इक्वल टू कितना है 2 एम्पेयर करंट है और रेजिस्टेंस कितना है 6 है, तो 2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कार्बन रेसिस्टर, ठीक है। कार्बन रेसिस्टर्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन रेसिस्टर्स, है ना। तो डिफिनेशन है उसका, ए रेसिस्टर इन विच, डिफिनेशन है ए रेसिस्टर इन विच कार्बन इज मोल्डेड इन सिलेंडर। देखिए डिफिनेशन इसका, देखिए ए रेसिस्टर, कार्बन को एक रेसिस्टर की तरह हम यूज करते हैं, कार्बन इज यूज्ड एज अ रेसिस्टर। तो ग्रेफाइट का वहां पर यूज करते हैं, ग्रेफाइट कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो डिफिनेशन है कार्बन रेसिस्टर का, ए रेसिस्टर इन विच कार्बन इज मोल्डेड इन सिलेंडर। कार्बन को क्या करते हैं, सिलेंडर में मोल्ड कर देते हैं, घुमा के रख देते हैं, है ना, विद सुटेबल बाइंडिंग एजेंट। बाइंडिंग एजेंट को सुटेबल रहते हैं, उसके साथ बॉन्ड करके जो रेसिस्टर तैयार होता है उसको हम कार्बन रेसिस्टर कहते हैं, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, छोटा सा रहता है और दोनों तरफ उसका लीड वायर से कनेक्टेड रहता है, और चार तरह के कलर्स होते हैं इसमें, चार तरह के कलर्स होते हैं, पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा कलर, है ना, चार तरह के कलर होते हैं, डिजिट्स, इसको डिजिट बोलते हैं। उस कलर से आपको डिजिट फाइंड करना होता है, ठीक है। कुछ कलर्स होते हैं यहाँ पर, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, है ना, और ये टॉलरेंस लास्ट वाला व्हाइट होता है, जो कुछ भी है वो टॉलरेंस होता है, कलर टाइप कलर रहते हैं सब। कलर से डिजिट फाइंड करना होता है, इसको हम लोग फर्स्ट डिजिट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकेंड डिजिट बोलते हैं, इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, इसको टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज है आपको समझनी होगी। तो इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कार्बन रेसिस्टर का बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होते हैं, जैसे कि रेडियोस हैं, एम्पलीफायर्स हैं, बहुत सारे जगहों पे यूज होता है, आप देखे भी होंगे, है ना, देखे भी होंगे। तो कार्बन रेसिस्टर्स का यूज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि कार्बन रेसिस्टर का यूज कहाँ कहाँ होता है, और इनका कोडिंग करके, इनके कोडिंग को जान करके हम आराम से पता कर सकते हैं कि कार्बन रेसिस्टर्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो कार्बन रेसिस्टर का यूज हाई रेसिस्टेंस वैल्यूज में यूज होता है, जहां पर रेसिस्टेंस वैल्यू काफी ज्यादा होता है वहां हम कार्बन रेसिस्टर का यूज करते हैं। तो यूज इन रेडियोस, एम्पलीफायर्स, एम्पलीफायर्स में यूज होते हैं, रेडियोस में भी यूज होते हैं, लेकिन लेकिन क्यों, क्योंकि हाई रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए होता है। तो ऐसे ऐसे कार्बन रेसिस्टर्स का यूज कहां होता है, जहां हमें हाई रेसिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है वहां हम इन सब का यूज करते हैं, ठीक है, याद रहेगा, ओके। तो हम लोग आगे चलेंगे और समझेंगे, कुछ हम आपको कोडिंग बताएंगे, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन रेसिस्टर का कहां कहां यूज होता है, ओके। ओके, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन रेसिस्टर, ओके। कार्बन रेसिस्टर में हम कार्बन रेसिस्टर का यूज क्यों करते हैं, व्हाई डू वी यूज कार्बन रेसिस्टर्स, टू गेट द हाई रेसिस्टेंस, है ना। ज्यादा रेसिस्टेंस वाले जो रेसिस्टर होते हैं उसको हम लोग कार्बन रेसिस्टर के रूप में जानते हैं या देखते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे कार्बन रेसिस्टर का यूज होता है, डिफरेंट कलर्स यूज होते हैं, तो डिफरेंट जो कलर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो कलर होते हैं कुछ डिफरेंट नंबर्स को सिग्निफाई करते हैं, तो डिजिट को सिग्निफाई करते हैं। जब मैंने बोला था एक रेसिस्टर के बारे में तो बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया तीन कलर के स्ट्रिप होते हैं, ठीक है, तीन कलर के स्ट्रिप होंगे, समझ में आ रहा है। तो जो तीन कलर के स्ट्रिप होंगे वो आपको रेसिस्टेंस बताएगा, कितना हाई रेसिस्टेंस हो जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेनली आप ये समझो कि कार्बन रेसिस्टर का यूज कहाँ होता है, टू गेट द हाई रेसिस्टेंस। ज्यादा लार्ज रेसिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम कार्बन रेसिस्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ रेसिस्टेंस कोड्स है इन ओम लिखा हुआ है, ये जो ओम लिखा हुआ है रेसिस्टेंस कोड है। तो जब देखिए, मैंने जब रेसिस्टेंस रेसिस्टर की बात की थी तो मान लो कि ये एक रेसिस्टर है, ठीक है, एक कलर, दो कलर, तीन कलर, है ना, और चौथा टॉलरेंस है, ये पहला डिजिट मल्टीप्लायर, है ना। तो इस तरह से
पहला डिजिट आता है, फिर उसके बाद दूसरा भी डिजिट आता है, फिर मल्टीप्लायर आएंगे, उसके बाद क्या होगा, टॉलरेंस आएगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अच्छी तरह से, ठीक है, फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट, ओके। अब देखिए यहां पर जब ब्लैक कलर होगा, ब्लैक कलर होगा तो डिजिट देखिए जीरो जीरो आ रहा है, लेकिन ब्लैक कलर की कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मल्टीप्लायर होगा, यहाँ पे ये देखिए कि ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकेंड डिजिट है, ये मल्टीप्लायर है, और ये क्या है, टॉलरेंस है। याद रखिएगा, ये फर्स्ट डिजिट किसी रेसिस्टर का, अगर मैं इसको लीड के कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो अब समझो कि ये फर्स्ट डिजिट, ये लाइन फर्स्ट डिजिट, ये दूसरा लाइन सेकेंड डिजिट, ये थर्ड लाइन मल्टीप्लायर एंड फोर्थ लाइन टॉलरेंस कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, ब्लैक, जो ब्लैक कलर दिख रहा है डिजिट आपको, ये जीरो दिख रहा है, पहला डिजिट, ठीक है, और इस ब्लैक की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है मल्टीप्लायर, वन। ब्राउन देखिए, जिसका कलर, जिसका डिजिट फर्स्ट, ये डिजिट क्या है, वन, और मल्टीप्लायर क्या है, ब्राउन का, ब्राउन के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर क्या है, टेन। सिमिलरली आप रेड देखिए, रेड की कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट कितना है, टू, मल्टीप्लायर कितना है, हंड्रेड, है ना। ऑरेंज का कितना है, डिजिट है थ्री, मल्टीप्लायर कितना है, थाउजेंड, थ्री, इसका पावर दिख रहा है ना, इसका पावर है। येलो, फोर डिजिट है, उसका पावर फोर दिख रहा है। ग्रीन, डिजिट फाइव है, पावर कितना है, फाइव। ब्लू सिक्स है, और डिजिट कितना है, सिक्स। वायलेट सेवन है, और डिजिट कितना है, सेवन। ग्रे कितना है, एट, और डिजिट कितना है, एट। और व्हाइट कितना है, नाइन, और पावर कितना है, नाइन। फिर गोल्ड देखिए, गोल्ड का कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वन डिजिट में, वन डिजिट के फॉर्म में लिखा हुआ है, जीरो टू नाइन, जीरो टू नाइन के फॉर्म में लिखा हुआ है, जीरो से लेकर नाइन तक लिखा हुआ है, टू डिजिट का यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ठीक है, टू डिजिट जो आता है रिपीटेशन हो जाए, जैसे कि यहाँ मैंने कलर बताया, यहाँ आप देखिए अच्छे से मैं समझाऊंगा। फिर देखिए, गोल्ड का कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, सिल्वर का भी नंबर नहीं दिया हुआ है, ये गोल्ड एंड सिल्वर टॉलरेंस को बताता है। ठीक है, ये गोल्ड एंड सिल्वर आपको क्या बताएगा, टॉलरेंस बताएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मल्टीप्लायर के बारे में बताया, वन, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, उसके बाद वन लैख, उसके बाद कितना, टेन लैख, वन करोड़ है ना, टेन करोड़, उसके बाद कितना होगा, वन अरब, कितना है, एक अरब है, इसके बाद कितना है, जीरो पॉइंट वन, और कितना है, जीरो पॉइंट जीरो वन, सॉरी जीरो पॉइंट वन, और इसका जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन, जीरो वन। ठीक है, और जो टॉलरेंस है ये देखिए 5%, ये टॉलरेंस देखिए 5%, और किसका टॉलरेंस है 5% भाई, तो गोल्ड का टॉलरेंस है 5%। यहाँ देखिए, गोल्ड का टॉलरेंस 5% और सिल्वर का टॉलरेंस 10% लिखा हुआ है, ये पहले से ही दिए हुए हैं। इन सब चार्ट को देख करके आप कलर को आराम से पता कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला, कोई भी एग्जांपल आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहला डिजिट मान लो, पहला डिजिट जो है ब्लैक कलर का, ठीक है, पहला डिजिट ब्लैक कलर का, दूसरा डिजिट आप कुछ भी मान लो, ग्रीन मान लो, है ना, दूसरा डिजिट का कलर, दूसरा जो स्ट्रिप है, दूसरा स्ट्रिप किसका है, ग्रीन का है। ठीक है, तो दूसरा स्ट्रिप क्या मान लेते हैं, ग्रीन है। ठीक है, तीसरा जो टॉलरेंस है मल्टीप्लायर, आप इसको कुछ भी मान सकते हो, इसको ब्लू मान लो, ठीक है, इसको क्या मान लो, ब्लू, और इसको मान लो, ये तो टॉलरेंस है, ये टॉलरेंस है ना, इसको आप कुछ भी मान सकते हो, गोल्ड मान लो या सिल्वर मान लो, जो कुछ भी है ना, तो ये मानना है मान लो। अब बताओ क्या होगा, अब इसका रेजिस्टेंस कितनी होगी, जब कलर हमने दे दिया, अलग अलग कलर दे रखा है आपके सामने में, तो अब आप बताओ कि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी, इस कार्बन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी, वो हम लोग देखेंगे। ब्लैक के कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए डिजिट कितना है, जीरो, यहाँ जीरो लिखिए, पहला डिजिट जीरो आ गया, काफ़ी आसान है समझना, बहुत टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कॉम्पिटिशन बहुत कम पूछते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर भी हम लोग समझेंगे, ब्लैक मतलब जीरो, ग्रीन मतलब सेकेंड डिजिट कितना है, ग्रीन मतलब सेकेंड डिजिट मतलब कितना है, फाइव। ब्लू मतलब कितना आया, टेन टू द पावर सिक्स इंटू टेन टू द पावर सिक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लायर हो गया, इससे हमने मल्टीप्लाई किया, ये फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट, और ये कितना आया, टेन टू द पावर सिक्स, प्लस माइनस। गोल्ड का टॉलरेंस कितना है, गोल्ड का टॉलरेंस कितना है भाई, फोर्थ में आया तो 5%, तो क्या लिखेंगे, 0.05। ठीक है, ये 5% आ गया, तो इतना आपका फॉर्म क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए एक और एग्जांपल हम आपको सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पे देखिए, ब्राउन, येलो, ग्रीन एंड गोल्ड। ठीक है, यहाँ देखिए, ब्राउन पहला डिजिट क्या है, ब्राउन पहला डिजिट है, ब्राउन, उसके बाद क्या है, येलो, उसके बाद है येलो, और उसके बाद ग्रीन। ठीक है, उसके बाद है ग्रीन,
और उसके बाद है गोल्ड। अब बताइए इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, व्हाट विल बी इट्स रेसिस्टेंस, आप लोग खुद कैलकुलेट करके देखो, एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके बताओ इसकी रेसिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी। तो इसका पहला डिजिट ये स्ट्रिप है ना, पहला ये ब्राउन कलर का है, दूसरा जो स्ट्रिप आप देख रहे हो येलो कलर का है, तीसरा जो स्ट्रिप देख रहे हो गोल्ड कलर का है, और चौथा जो देख रहे हो सॉरी ग्रीन का है, तीसरा जो है ग्रीन का है, चौथा क्या है गोल्ड टॉलरेंस का गोल्ड का है। तो बताओ इसका रेसिस्टेंस वैल्यू कितना होगा, व्हाट विल बी इट्स रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस कितना होगा बताइए। ब्राउन, तो ब्राउन को हम लोग कौन से नंबर से जानते हैं, तो लिखेंगे वन, देखिए यहाँ पे कैसे निकल रहा है वन, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है येलो, दूसरा क्या आ रहा है येलो, ठीक है येलो दूसरा डिजिट है, ये क्या है दूसरा डिजिट टू, दूसरा डिजिट आ गया टू है ना। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि तीसरा तीसरा जो डिजिट है वो क्या है ग्रीन, ग्रीन का क्या है ग्रीन है ना, तो ग्रीन का 10 to the power कितना आ रहा है ग्रीन है ना 6 में आ रहा है 5 और 10 to the power 6, तो 1 × 10 to the power 6 आ रहा है, ठीक है लीजिए। येलो है ना, येलो का कोड होना चाहिए ना, यहाँ पर येलो का कोड होना चाहिए, ब्राउन और येलो, येलो का कोड 1 कितना आ गया प्लस माइनस, टॉलरेंस कितना है गोल्ड का 5% 0.05। अब जितना आएगा वो आप देख सकते हो कितना आ सकता है, ठीक है तो कितना आ रहा है भाई 1.4 × ±, है ना 0.07 मेगा ओम, ठीक है इस तरह से आंसर आएगा। ये आंसर सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बट ऑल द अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, जितने सारे ऑप्शन है सब सबके आंसर है। देख लीजिए इस तरह से मैंने आपको बताया रेसिस्टेंस कोर्स, ओम में लिखा हुआ है सारे के सारे रेसिस्टेंस कोर्स, ओके